Assalamualaikum, this is me Saima Pirzada and welcome to my channel, my YouTube family. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी फैमिली और आप लोग बिल्कुल प्रिकॉशंस कर रहे होंगे कोरोना वायरस के अकॉर्डिंगली, मास्क वेयर कर रहे होंगे, ग्लव्स वगैरह पेयर कर रहे होंगे. तो आज बात करते हैं हम कराची अपडेट्स के बारे में, आफ्टर कोरोना वायरस कराची में क्या प्रिकॉशंस की गई हैं और लॉकडाउन होने की वजह से क्या क्या चीज़ें हमें दिखने को मिली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कराची जो है वो बिल्कुल ही सन्नाटे में आ चुका है. और अगर हम बात करें डोलमेन मॉल की और साथ में शॉप्स वगैरह की, तो पूरा कराची जो है वो बंद है इस वक्त, रोड खाली हैं. आज हमने विज़िट किया बसेस का और लोकल बसेस का विज़िट किया है और साथ में मॉल्स वगैरह का विज़िट किया है और रोड्स वगैरह देखें कि बाकी सारी जगहें जो हैं वो बिल्कुल सन्नाटे में हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन इन कराची होने की वजह से पूरा कराची जो है वो सन्नाटे में है. तो मैंने सोचा मैं आज आपको लोकल बसेस जो कि कराची में चलती हैं उनका बताऊं कि क्या सूरत हाल है, कराची की कंडीशन एंड अपडेट. तो कराची जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है, चाहे वो डॉलमेन मॉल हो या कोई भी मॉल, कोई कारोबार या फिर बसेस वगैरह, सब सन्नाटे में हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें शहर की, तो शॉप्स वगैरह बंद हैं, लोग जो मज़दूर हैं जो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं तो वो बिल्कुल अकेले खामोशी में बैठे हुए इंतज़ार में कि कहीं से आ जाए कोई और हमें काम के लिए ले जाए मजदूरी के लिए. तो प्लीज़ इस तरह के लोगों का आप बिल्कुल ख्याल रखें और आपके आसपास जो लोग डेली बेसिस पे वर्किंग करके अपना खाना पीना पूरा करते हैं तो आप उन लोगों को हेल्प करें, उन लोगों को ग्रॉसरी वगैरह में और खाना वगैरह दिख प्रोवाइड करने में. एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ निभाएं. जैसे कि सारी शॉप्स वगैरह बंद थी और खामोशी हुई हुई है, लेकिन अच्छी बात है कि प्रिकॉशन भी होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम प्रिकॉशन नहीं करते तो इससे हमें ही नुकसान होगा. रोड वगैरह की बात करें, सड़कें देखें तो बिल्कुल ही खाली थीं. अगर आप DHF की बात कर लें या गिजरी की बात कर लें या कराची का कोई भी एरिया, CVO, डॉलमेन मॉल, सब खामोशी और सन्नाटे से भरपूर थी. तो लेकिन कुछ लोग थे जो वर्किंग भी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो नज़र आए ग्रॉसरी करते हुए. और मैंने कोशिश की कि मैं डॉलमेन मॉल में वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बनाने दी, बट आई ट्राइड माय बेस्ट. जैसे ही मैं डॉलमेन मॉल में एंटर हुई तो उन्होंने सबसे पहले मेरा यहाँ पर मेरा टेस्ट किया, टेम्परेचर चेक किया और उसके बाद मुझे इन्होंने अंदर जाने दिया, क्योंकि डॉलमेन मॉल बंद था और हाइपर सिर्फ खुला हुआ था. और हाइपर खुला हुआ था, यहाँ पर भी बहुत क्राउड जो है वो बहुत ही कम दिखने को मुझे मिला, लेकिन ये था कि लोग आए हुए थे लेकिन पहले की नस्बत बहुत कम थे. परसेंटेज में बात करें तो 5-10% लोग आए हुए थे जहाँ 100% क्राउड होता था. पूरा डॉलमेन मॉल जो है वो सन्नाटा था, खामोशी थी. मैंने एक से दो बार इनकी वीडियो बनाई, लेकिन चीज़ें आज मैं देख रही थी और मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं. और यस, आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत ने ये फैसला लिया है लॉकडाउन करने का तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है. तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल प्रिकॉशंस करनी है, अपने घर में रहें, सेफ्टी रखें. और हाँ, अगर आप लोगों को खांसी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है या कोई भी ऐसी सिम्टम्स जो कि कोरोना वायरस के हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लाजमी जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी फैमिली वगैरह को भी डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपकी फैमिली वगैरह जो है वो सेफ रहें फ्रॉम कोरोना वायरस. अच्छा जी, अपने आसपास के लोगों का बिल्कुल आप एहतियात रखा करें, क्योंकि ये आप लोगों के आसपास के जो गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है सब लोग बहुत परेशान हैं, जो डेली अर्निंग करते हैं, डेली खाते हैं, तो वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं. जाहिर सी बात है उन लोगों को खाने को नहीं होगा, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है एज़ अ पाकिस्तानी कि आप लोग उनकी हेल्प करें, एज़ अ मुस्लिम आप लोग उनकी मदद करें उन लोगों को. ये थी कुछ कराची की अपडेट्स और
थैंक यू सो मच, अपने ख्याल रखें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और प्लीज़ डोंट क्रिएट पैनिक। आप लोग पैनिक जो है वो बिल्कुल क्रिएट मत करें। पैनिक क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, बस आप लोग परेशान होंगे, आपके आसपास के लोग परेशान होंगे। अगर आप में ऐसे कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये सबसे बेहतर है।